हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं सबांची यूनिवर्सिटी के हवाले से, जिनकी अनाउंसमेंट अभी हुई है स्कॉलरशिप की। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना क्या है, गूगल पे आना और गूगल पे टाइप कर देना है सबांची यूनिवर्सिटी। इनको सर्च करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस पहले एड्रेस को फॉलो कर देना है। इनको फॉलो कर देने के बाद आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एडमिशन पर जाना है। एडमिशन पर देखिए, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, ग्रेजुएट प्रोग्राम और ग्रेजुएट एडमिशन, इन तीनों को चेकआउट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पर क्लिक करेंगे। तो जैसा ही हम अंडर ग्रेजुएट पर एडमिशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा पेश हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, डिग्री स्टूडेंट पे आना है और एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट आप लोगों ने अप्लाई कैसे करनी है और स्कॉलरशिप, यहां से डिटेल आप लोगों ने चेकआउट करनी है अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए। जैसे कि एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट पर मैं क्लिक कर देता हूं तो ये देखिए सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने आ गई, आपने सारों को रीड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशन फ़ी है जो नॉन रिफंडेबल है। सपोज आपका एडमिशन नहीं लग जाता है तो आपको एप्लीकेशन फ़ी जो है ना नहीं दी जाएगी, ठीक है, रिफंडेबल नहीं हो सकती। इसके साथ साथ आपकी एप्लीकेशन फ़ी तब इवैल्यूएट होगी जब आप एप्लीकेशन फ़ी को सबमिट करेंगे। अगर डेट्स की बात की जाए तो ये वेरियस है, ठीक है। जैसे कि इसमें 29 अगस्त है और किसी की 7 जून है, तो आप लोग जो है ना वो प्रोग्राम की थ्रू है, ठीक है, यानी प्रोग्राम के बेस पर है। अच्छा, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करनी है और सारी इनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो आप लोगों ने यहाँ से सारी चेकआउट करनी है, ठीक है। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत होगी ऑनलाइन की, ठीक है, जो आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको डिग्री ट्रांसक्रिप्ट वगैरह और कुछ सारी डिटेल्स हैं जो आप लोगों ने यहाँ से रीड आउट करना है। मैं जस्ट आपको हाईलाइट्स कर रहा हूँ, आपने डिटेल से देखनी है, ठीक है। नीचे स्कॉलरशिप और नीचे देखिए स्कॉलरशिप में आपको कम्प्लीटली बताऊंगा स्कॉलरशिप के हवाले से, ठीक है। अच्छा, बाद में। अच्छा, जनरल इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट की बात करें अंडर ग्रेजुएट की, तो ये देखिए यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कहें, प्रीवियस पेज पर आते हैं। प्रीवियस पेज पर आने के बाद एडमिशन पर ग्रेजुएट प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं, कैन में ग्रेजुएट प्रोग्राम कौन कौन से अवेल है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इस पोर्शन पर आना है ग्रेजुएट वाले प्रोग्राम पर, ठीक है। आपने थोड़ा सा नीचे आना, नीचे आने के बाद ये देखिए आल प्रोग्राम पर हमने क्लिक कर देना है, ये देखिए इन पर क्लिक कर देने के हमारे सामने सारे प्रोग्राम सामने आ गई, ठीक है। नीचे अब आप लोगों ने यहां से क्या करना है, यहां से जो बीच वाला जो ये ऑप्शन है, ये वाला, इस पर आपने क्या करना है। अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, पीएचडी में प्रोग्राम सर्च करना चाहते हैं तो ये है अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल मास्टर डिग्री विद थीसिस, नॉन थीसिस मास्टर डिग्री और माइनर। आप इनमें से जो भी सेलेक्ट करना है ये आप पर डिपेंड है। इन पर सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने इसकी रिलेटेड सारी प्रोग्राम आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद हमने क्या करना है, नीचे प्रीवियस पेज पर जाना है, ठीक है। प्रीवियस पेज पर आने के बाद ये देखिए, जैसे कि मैंने आल प्रोग्राम पर बताया था, आल प्रोग्राम पर आपने वो ने जब आप सेटिस्फाइड हो गए हैं, अगर आपने अपना प्रोग्राम चूज़ किया, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये देखिए स्कॉलरशिप एंड ट्यूशन फी, इन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। इन पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा पेज हो जाने के बाद ये देखिए ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, ठीक है। अच्छा, अब इनमें तीन स्कॉलरशिप है, जैसे कि फुल स्कॉलरशिप, प्रोजेक्ट स्कॉलरशिप और एक ये वाला स्कॉलरशिप है। मैं ये एक को डिस्कस करूंगा, आप लोगों ने तीन को रीड आउट करना है। जैसे कि फुल स्कॉलरशिप पर मैं जब क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है। इसमें ट्यूशन फी 100%, एग्जम्पशन है, स्टाइपेंड भी आप लोगों को इतना अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डोमेट्री यानी अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं तो आप दो स्टूडेंट एक कमरे में रहेंगे, और अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो आपको वन रूम प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपको जो है ना ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट की सपोर्ट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगी, उसकी ग्रांट। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगी। लैपटॉप या कंप्यूटर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगी, स्कॉलरशिप में इंक्लूड है। और साथ में आपको कॉन्फ्रेंस सपोर्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस तरह आपने प्रोजेक्ट स्कॉलरशिप देखे तो प्रोजेक्ट स्कॉलरशिप की ये सारी डिटेल्स मेंशन है, ठीक है। ट्यूशन फीस, स्टाइपेंड, डॉर्मेट्री, जैसे कि मैंने आपको सारे चेकआउट करके बता दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम देखेंगे
कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। जैसा ही हम मैं होम पेज पर आती है, होम पेज पर एडमिशन और एडमिशन की देखिए, ग्रेजुएट एडमिशन इस पर हमने आना है। इस पर आने के बाद ये देखिए आप अप्लाई कहाँ से करेंगे, ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप लोगों ने अप्लाई कर देनी है, ठीक है। अप्लाई आप लोगों ने अकाउंट बनाना है, उसके बाद यहाँ से अप्लाई करना, लॉग इन होना है, फिर अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर देने से पहले कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन हम देंगे, ठीक है। जैसे कि हम नीचे आते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट के हवाले से। अब अगर आप एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फॉर द स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंस नॉन थीसिस मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर देना चाहते हैं तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अच्छा, अगर आप एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंस थीसिस मास्टर प्रोग्राम, यानी आपने जिस प्रोग्राम में भी अप्लाई कर देना है, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है उसी को सेलेक्ट करनी है, तो सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। जैसा कि मैं इन पर क्लिक कर लेता हूँ, सपोज मैं नेचुरल साइंस में करना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंस में थीसिस मास्टर प्रोग्राम में, तो ये देखिए हमारे सामने रिक्वायरमेंट सामने आ गई। तो ये देखिए एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंस थीसिस मास्टर प्रोग्राम, तो ये सारी रिक्वायरमेंट है। मैंने आप लोगों ने इसको क्या करना है, रीड आउट करना है, उसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने जो है ना फिल आउट करनी है, उसके साथ साथ सबमिट करनी है, ठीक है, डेडलाइन से पहले पहले, ठीक है। अच्छा, डेडलाइन के बारे में ये देखिए, एप्लीकेशन डेट्स फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम, यहाँ पर आप लोगों ने डेडलाइन देखनी है प्रोग्राम के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कुछ की 6 जून लास्ट डेट है और कुछ प्रोग्राम की 29 अगस्त है, ठीक है। उसके साथ आपको क्या चाहिए होगा, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, CV आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी, उसके साथ साथ 2 रिकमेंडेशन लेटर, प्रोग्राम ग्रेजुएट प्रोग्राम एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट आपको चाहिए होगा, इंग्लिश प्रोफेशन, अगर आपके पास आईएलटीएस या PAT या जो भी कुछ स्कोर है तो आप लोगों ने इसको सबमिट कर देनी है। उसके साथ साथ डिग्री रिक्वायरमेंट आपने सारी इंफॉर्मेशन को रीड आउट करना है, ठीक है, एडमिशन रिक्वायरमेंट को। तो और अप्लाई की बात आती है तो मैंने अप्लाई आप लोगों को समझा दिए। अब अगर आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसकी डेट 6 जून में, फिर से बता रहा हूँ, ये प्रोग्राम पर डिपेंड करता है। तो अब तक के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।